चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोवावी वीडियो एडिटर के बारे में। सबसे पहले हम मोवावी वीडियो एडिटर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में इसका ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन होता है। सिंपली आज हमारी ये जो लास्ट सीरीज़ है मोवावी की, इसमें हम कंप्लीट ट्यूटोरियल की बात करेंगे जीरो से एंड तक। इससे पहले हम शॉर्ट्स वीडियो इसकी क्रिएट कर चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। किसी को स्पेशल वीडियो देखनी हो किसी पार्ट की, तो आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। सिंपली इसका ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है, और यहाँ से हम देखते हैं इसके सामने, हमारे सामने एक तो ये फाइल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, प्लेबैक है, सेटिंग है, एक्सपोर्ट है, और हेल्प का, ये ऑप्शंस हमारे सामने ओपन होते हैं। सिंपली ये जो ऑप्शंस हैं, ये यहाँ पे नीचे भी हमारे सामने ओपन हो जाते हैं, और सिंपली हम यहीं से इसे यूज़ करते हैं। एक्सपोर्ट का जो ऑप्शन है वो हमारे सामने यहाँ पे भी शो होता है। सिंपली अब हम यहाँ से इसके ऑप्शंस की बात करते हैं। यहाँ प्लस के आइकॉन पे देखते हैं आप लोग, यहाँ से फाइल इंपोर्ट का ऑप्शन है। इसके ऊपर क्लिक करके हम कोई भी फाइल अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करते हैं। जैसे यहाँ से हम सिंपली फिर ऐड फाइल के ऊपर जाएंगे, और कोई भी फाइल हम इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैं कोई भी फाइल आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे सिंपली हम वीडियोज़ में जाते हैं, तो हमारे सामने ये जो हमारी एक फ़ाइल है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इंपोर्ट फाइल कर ली है। इसके बाद में हमारे सामने जो फाइल इंपोर्ट के बाद में जो ऑप्शन आता है, वो आता है मीडिया बिन का। जो भी फाइल्स हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, वो हमें सिंपली यहाँ मीडिया बिन में दिखाई देंगी। चाहे हम 5 से 7 को जितनी भी फाइलें हम इंपोर्ट करें, वो सभी फाइलें हमारी यहाँ पे शो होंगी। इसके बाद में हम बात करते हैं साउंड्स की। यहाँ पे हमारे सामने बहुत सारे साउंड इफ़ेक्ट आते हैं इसमें, जो कि बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं, जिन्हें हम अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको हंसी का या रोने का जो भी है, इसमें बहुत सारी क्लिप्स हैं जो बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं। जैसे मैं प्ले करके ये देख रहा, ये सभी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं, इन्हें आप अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में ऑप्शन आता है हमारे सामने म्यूजिक का। इसमें बहुत सारे कॉपीराइट फ्री म्यूजिक हैं, जिन्हें हम अपनी वीडियोज़ में यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, और भी हैं। आप यहाँ से ये मोर डाउनलोड का इसमें ऑप्शन है, यहाँ से आप और डाउनलोड कर सकते हैं। पर अगर आप और डाउनलोड करें, तो यहाँ पे सिंपली पेमेंट, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे आती है हमारे सामने सैम्पल वीडियोज़। ये भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं दोस्तों। यहाँ से जैसे आपको घड़ी की वीडियो चाहिए, या सिटी है कैंडल की आपको चाहिए, ये जितनी भी वीडियोज़ हैं यहाँ पे, ये भी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं। इनको भी आप यहाँ से अपनी वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से। आपको और डाउनलोड करनी है, तो आप मोर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली इसके बाद में आता है हमारे सामने बैकग्राउंड्स। जैसे हम अपनी वीडियोज़ में कोई भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करना चाहें, या कोई बैकग्राउंड यूज़ करना चाहें, जैसे हमारे सामने ब्लर, ये है ब्लू, ये हम क्रोमा की मदद से ग्रीन स्क्रीन पे अगर आप वीडियो बनाते हैं, तो आप ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करके ये बैकग्राउंड आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी बैकग्राउंड है, बहुत सारे बैकग्राउंड्स हमारे सामने इसमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, जिनको हम अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से हम डाउनलोड मोर पे करके और भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इफ़ेक्ट पैकेज है, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ से फ़िल्टर्स का। जैसे बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं इसमें, आप यहाँ से कोई भी फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये वाला फ़िल्टर है, ठीक है, यहाँ से ये वाला फ़िल्टर है। जैसे हम सिंपली वीडियो को ऐड करके, मैं आपको दिखाता जाता हूँ, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये वाला हमने यहाँ तक यूज़ कर लिया। सिंपली मीडिया बिन में हम जाएंगे, और यहाँ से हम फाइल को वीडियो ट्रैक पर ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ से। जैसे मैंने ऐड कर दिया, और सिंपली हम इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, स्पेशली का कोई पार्ट जो मैं आपको ये सब फिल्टर अप्लाई करके मैं दिखा सकूँ, ठीक है। ये पार्ट मैंने अलग कर लिया बीच में। अब सिंपली हम फिल्टर्स पे थे, जैसे मुझे ये वाला फ़िल्टर अप्लाई करना है, नॉइज़ का फ़िल्टर है ये अप्लाई करना हो, या इनमें से बहुत सारे फ़िल्टर हैं। जैसे मैं आपको ब्लर दिखाता हूँ, जैसे आप वीडियो को आपको ब्लर करना है, तो आप ये वाला फ़िल्टर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आपको इस फ़िल्टर को रिमूव करना है, तो आप सिंपली कंट्रोल जेड का उपयोग करेंगे, ये रिमूव हो जाएगा। और इसके अलावा कोई फ़िल्टर्स आपको यूज़ करने हैं, जैसे कि आप चाहते हो कि आपकी वीडियो में
फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, जैसे आप ये फिल्टर यूज़ करना चाहें तो आप सिंपली फिल्टर को सिलेक्ट करो। सबसे पहले क्लिप स्लॉट क्लिप को आपको सेलेक्ट करना है और आप सिंपली इसको बलून को यहाँ पे इसके ऊपर ड्रैग कर दो। जैसे आपने ड्रैग कर दिया, ये इसके ऊपर आपको ये बलून ही बलून दिखाई देंगे, ये आपका हैं फिल्टर हो गया। ठीक है, इसमें आप और कुछ चाहिए, आपको लगता है कि ये वाला फ़िल्टर आपको अप्लाई करना है, ये वाला फ़िल्टर आपने इस वीडियो में अप्लाई कर दिया, आपको ये उड़ती हुई चिड़िया यहाँ पे दिखाई देगी, आप लोग देख सकते हैं। फिर से ठीक है, ये और भी हैं गिफ्ट के हैं, जैसे लाइट लैग के हैं, ये वाले कर सकते हैं आप। अपना लेंस है यहाँ से, मतलब इफ़ेक्ट्स है, जितने भी इफ़ेक्ट इसमें हैं वो सब अपनी वीडियोज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं। कलर फिल्टर है यहाँ पे, आपको कौन सा कलर अपनी वीडियो में चाहिए वो सब इफ़ेक्ट यहाँ से हम सिंपली कंट्रोल जेड करके इन सबको रिमूव कर देता हूँ मैं एक बार। ठीक है, इन सबको हम एक बार रिमूव करते हैं, हमने रिमूव कर दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट इफ़ेक्ट की बात करते हैं, वो आता है हमारे सामने हमारा ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट। हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में हम ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सभी ट्रांजैक्शन इफ़ेक्ट ओपन हो जाते हैं जो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये बहुत ही सारे हैं, आप लोग बहुत सारे इफ़ेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं और आप यहाँ से और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली आप देख सकते हैं कितने सारे इफ़ेक्ट हैं इसमें। अब सिंपली हम देखें यहाँ पे कि इसमें जैसे आपको लगता है कि सर्किल का हमें चाहिए अलग से, यहाँ पे नाम दिए गए हैं, ब्लॉक्स का इफ़ेक्ट चाहिए आपको ट्रांजेक्शन का, सर्किल का चाहिए, जेमेट्रिक का चाहिए, ठीक है, हेड का चाहिए, ब्लर का चाहिए, आप कोई भी इफेक्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको एक दो इफेक्ट यूज़ करके दिखा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिंपली हम जैसे ब्लॉक्स का ये इफेक्ट है, मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे ये इफेक्ट है, इसे हम सिंपली यहाँ इसको ट्रांजेक्शन को हम यूज़ कर तब करते हैं जब हम दो वीडियोज़ को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से दो वीडियो और जॉइंट हैं, ठीक है, तो मैं सिंपली इनके बीच में यहाँ से इसको ऐड करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐड कर दिया और एक सर्किल का इफेक्ट हम ऐड करके दिखा देते हैं आपको, सर्किल का ही लगा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से एक सर्किल का इफेक्ट मैं यहाँ पे ऐड करके अब सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखोगे तो आपको इफेक्ट यहाँ पे पे दिखाई वाला ऑप्शन देगा, इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक आप देख सकते हैं इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं तो हमारा सर्किल वाला इफेक्ट अप्लाई हो गया है। ठीक है, आप लोग देखोगे तो आपके सामने सर्किल का इफेक्ट अप्लाई आता हुआ दिखाई देगा, ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, अब सिंपली हम बात करते हैं इसमें जैसे ट्रांजेक्शन्स में ये सभी इफेक्ट हैं जो आप बेसिकली यूज़ कर लोगे। आप लोगों को एक बार समझाने की ज़रूरत होती है, बाकी तो आप सब लोग जूम जूमिंग का इफेक्ट है, यहाँ से आप जूमिंग जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में सिंपली हमारे सामने आता है टेक्स्ट पे, हम जैसे क्लिक करते हैं हमारे सामने बहुत सारे टेक्स्ट ओपन होते हैं। एक सिंपली हमें अपने चैनल के लिए इंट्रो क्रिएट करना हो या कोई और कुछ क्रिएट करना हो, हम सिंपली यहाँ से अपने चैनल के लिए इंट्रोज भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंट्रोज वीडियो हमारे सामने ओपन हो जाते हैं, उसके लिए सिंपली मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ और आपको इंट्रो क्रिएट करके दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस सबको क्लियर करता हूँ यहाँ से, जैसे मैंने ये सब रिमूव कर दिया यहाँ से, अब सिंपली हम देखते हैं यहाँ पे आप अपने चैनल के लिए इंट्रो कैसे बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंट्रो वीडियोज़ हैं, आप लोग देख सकते हैं इनको प्ले कर करके, यहाँ से आपके सामने चलती हुई यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसको आप प्ले करोगे तो इस तरह से आपको सामने दिखाई देगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसमें बहुत सारे इंट्रोज वीडियोज़ भी हैं दोस्तों, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। इसको प्ले करें तो हमारे सामने, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, सॉफ्टवेयर थोड़ा प्रॉब्लम करता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसा, जैसे मैं आपको इसी में एक बार इंट्रो इंट्रो क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जैसे ये ऐड हो गया ऑटोमेटिक, इसको डिलीट, हाँ मैं आपको इंट्रो क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं ये वाला यहाँ से ले लेता हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, सिंपली इसको प्ले करते हैं तो हमारे सामने जैसे ये वाला आ रहा है, बन बनाई है हमारे सामने। जैसे यहाँ से योर नाम, योर सैलून हेयर, यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें, ठीक है, सिंपली यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये इसके पार्ट्स अलग हो जाएंगे। यहाँ पर हम इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे, जैसे इस टेक्स्ट में हम अपना चैनल का नाम वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं अपने चैनल का नाम ऐड कर देता हूँ। ठीक है, हमने अपने चैनल का नाम ऐड कर दिया, साइज़ इसका हम जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसको। सेकंड नीचे और है, इसमें भी हम अपना कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, टैक्स सपोर्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से हम चाहें तो ऊपर नीचे जैसा भी कलर चाहें, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर हमें चाहिए मैं ऐड कर देता हूँ। जैसे आपको कोई यहाँ से इसका डिज़ाइन कैसा चाहिए, आप यहां से डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट हैं यहां से, आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, सिंपली यहाँ से आप बैकग्राउंड लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए, ठीक है। सिंपली मैं फ़िलहाल के लिए रिमूव करता हूँ। आउटलाइन आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको चाहिए। सिंपली हम इसको अप्लाई करता हूँ, मैं ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करने वाला क्योंकि मुझे ऐसा, मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। अब करते हैं अप्लाई एंड रिटर्न पे, और ये हमारा बन के रेडी हो चुका है। सब कुछ इसमें रेडी पहले से होता है, नाम एंड ऐड, नाम ऐड करना होता है हमें सिंपली। अब देखते हैं इसको हम प्ले करके देखते हैं, तो हमारे सामने ऐसा हमारा इंट्रो दिखाई देगा। अब सिंपली हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, हमें इंट्रो की ज़रूरत अभी नहीं है। सिंपली मैं डिलीट करता हूँ और हम अपनी कोई भी फाइल यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं वापस, आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे मैं ये वाली फाइल यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं इंपोर्ट कर ली। अब हम बात कर रहे थे टेक्स्ट पे, नीचे इसमें बहुत सारे टेक्स्ट हैं, जैसे आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ये वाला टेक्स्ट है, इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा अपनी वीडियोज में, ये है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे आर्टिस्ट के हैं, ओपनिंग के हैं, आपको जो भी ऐड करना है। ये जैसे ओपनिंग में फर्स्ट में काफ़ी लोगों की यूट्यूब चैनल में आपको दिखा होगा, इस तरीके से आपको दिखाई देता है। यहाँ पे नाम, चैनल, बहुत कुछ लिख देते हैं वो लोग। लगभग बेसिकली मैं ये यूज़ करता हूँ। मैं आपको एक टेक्स्ट ऐड करके इसमें दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपली जैसे मैं ये वाला टेक्स्ट आपको ऐड करके यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में सिंपली इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इस टेक्स्ट को जहाँ भी हमें ऐड करना हो हम वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं इसको ऐड करना चाहूँगा, बाकी इसका जो पार्ट है यहाँ से मेरे में वो कर देता हूँ एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट हो गया। अब जो भी हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे जो भी हमें यहाँ पे लिखना है, जैसे अपने चैनल का नाम मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना इसमें चैनल का नाम ऐड करेंगे, जैसे मैंने ऐड कर दिया है। और सिंपली हम इसमें जैसे इसका साइज़ है हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। जो भी जैसे मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये फिट हो गया, ठीक है। सिंपली इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, जो भी हमें कलर चाहिए। जैसे मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से हमारा जो भी फॉन्ट वो चाहिए, हमें कौन से फॉन्ट चाहिए, जैसे जो भी फॉन्ट मैं ये वाला कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ से साइज़ हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। और सिंपली अप्लाई पे क्लिक करते हैं। अब सिंपली आपको जहाँ इसको एडजस्ट करना है वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें बैकग्राउंड और ये नेम अलग अलग एडजस्ट होते हैं, ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है और पता नहीं क्या चक्कर है इनका, ठीक है। सिंपली इसको यहाँ पे हमने एडजस्ट कर दिया। अब मैं सिंपली इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि ये आपके सामने कैसे प्ले होगा, आप लोग देख सकते हैं प्लॉट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने इस तरह से चलता हुआ प्ले होगा। आप लोग और भी बहुत सारे एनिमेशन हैं इसमें जो ऐड कर सकते हैं, जैसा ये प्ले करके आप लोग देखते हैं ऐसा ही आपको ये वीडियो में इसी तरीके से आपको वीडियो में दिखाई देगा। यहाँ पे अपना टाइटल आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। सिंपली हम नेक्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं हम। इसमें स्टिकर्स हैं इसमें बहुत सारे, जिनको हम अपनी वीडियोस में, जैसे हमें कोई स्पेशल पार्ट है जिसके ऊपर हमें लगता है कि हाँ ये पार्ट हमें दिखाना है यहाँ से, तो हम सिंपली यहाँ पर ये ड्रैग करके रख देंगे, और हम ये पार्ट हमें अलग से यहाँ पर शो करना है कि यहाँ से हमें ये साइन इन करना है, यहाँ पर हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, जिससे लोगों को पता चले कि हाँ यहाँ पे साइन इन है, थोड़ा वीडियो अच्छी लगी हमारी दिखने में, हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे और भी बहुत सारे, आपको लगता है कि नहीं आपको ये वाले इमोजी ऐड करना है, यहाँ पे आप स्माइल कर रहे हैं, आपको ये अंडरलाइन लोगो मतलब गोलाकार चाहिए, आयताकार, इसमें बहुत सारे, ऑल पे आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं, ये एरोप्लेन का है, राइट का है, ठीक है, ट्राइंगल का है, आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं, क्रॉस का है, ये सभी बिल्कुल कॉपीराइट फ्री हैं, आप अपनी वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता सकता, एक एक ऐड करके वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सिंपली हम नेक्स्ट इफेक्ट की बात करते हैं, और इम्पोर्टेंट इफेक्ट, इसी में लगभग सभी इम्पोर्टेंट टूल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब हम सिंपली इसकी बात करते हैं, उससे पहले हम एक बार क्लियर कर देते हैं कंट्रोल जेड करके सभी को जो भी हमने अप्लाई किया है, ठीक है। सिंपली इस टेक्स्ट को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, फ़िलहाल के लिए मैंने रिमूव कर दिया। अब सिंपली हम बात करते हैं, यहाँ पे जाते हैं तो हमारे सामने ऑल टूल्स ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग है और ऑडियो एडिटिंग है, हम यहाँ से अपनी ऑडियो भी एडिट कर सकते हैं और वीडियो भी एडिट कर सकते हैं। ऑल टूल पर क्लिक करते हैं,
हमारे सामने कलर एडजस्टमेंट, क्रूप एंड रोटेट, ओवरले, पैन एंड जूम, ये सभी इफेक्ट हमारे सामने यहाँ से अप्लाई होते हैं। यहाँ से अब मैं सिंपली इस वीडियो को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को मैं थोड़ा स्पीड से समझा सकूँ, ठीक है। और सिंपली अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले कि यहाँ पे कलर एडजस्टमेंट का इफेक्ट है, जिससे हम अपनी वीडियो का कलर एडजस्ट कर सकते हैं। जो भी कलर हमें ब्राइटनेस बढ़ानी हो, वाइटनेस बढ़ानी हो, ठीक है, सिंपली। इसके बाद में वीडियो एडिटिंग के लिए यहाँ पे आता है, एक आता है क्रूप एंड रोटेट का। जैसे हमारी वीडियो है, हम चाहते हैं कि इस वीडियो का साइज छोटा करें या इसको क्रूप करें, हम चाहते हैं इसको इतनी वीडियो हमें दिखानी है, हम इसको क्रूप करना चाहें तो यहाँ से क्रूप कर सकते हैं, मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे आपका कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, ये ब्लैंक स्क्रीन है, यहाँ से आप इसको क्रूप करना चाहो तो यहाँ से इस साइड से आप यहाँ तक का क्रूप करके और सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैंने कर दिया अप्लाई और आप देख सकते हैं ये क्रूप हो चुका है, ठीक है। सिंपली हम नेक्स्ट इफेक्ट की बात करें, कलर एडजस्टमेंट जो मैंने आपको बता ही दिया अभी, ठीक है, एंड रोटेट ये भी हो गया। ओवरले की बात करें हम सिंपली, तो ओवरले का हम यूज़ तब करते हैं बेसिकली, जैसे इसका हम स्पेशली पार्ट हमें कहाँ पे शो करना है, जैसे कॉर्नर में, जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, फिलहाल के लिए इसको हम बड़ी रखते हैं स्क्रीन को हमारी। जैसे हम मैं एक फाइल और इंपोर्ट कर लेता हूँ, इसमें सबसे पहले एक वीडियो ट्रैक हम यहाँ से ऐड करते हैं, इसमें वीडियो ट्रैक ऐड कर ली, सिंपली ये वाला पार्ट मैंने इसमें ओवर ऐड कर लिया, ठीक है, ये वाली वीडियो मैंने ऐड कर ली। अब मुझे लगता है कि इस वीडियो को मैं जो ये वाली वीडियो है ना, इसके यहाँ कॉर्नर में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से ओवरले पे जाऊँगा। ओवरले पे जाने के बाद में मैं सिंपली इसको छोटा कर लूँगा। आप लोग देखते हैं काफ़ी लोग अपने वीडियोज़ में फेस यहाँ पे ऐड करते हैं, सिंपली मैं अपनी वीडियोज़ में फेस ऐड नहीं करता, जब तक अपने 50 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं अपनी वीडियोज़ में फेस ऐड नहीं करूँगा, तो मेरे पास फेस का वीडियो नहीं है, तो मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, हो जाएगा, और यहाँ पे क्लिक करके हम देख सकते हैं ये हमारी वीडियोज़ में ऐड हो चुका है। आप प्ले करके देखेंगे हमारी वीडियो में, यहाँ पे ये घड़ी हमें यहाँ चलती हुई शो होगी, यहाँ पे किसी का फेस भी हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है, कोई इमेज भी हो सकती है, ठीक है। सिंपली यहाँ से हम देखते हैं, हमारे सामने आता है एक ऑप्शन आता है पैन एंड जूम का, हम कोई भी क्लिक सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाली क्लिक है, और आप लोगों को लगता है कि कोई भी पार्ट आपको स्पेशली, जैसे ये वाला पार्ट है आपको जो जूम करके दिखाना है, हम यहाँ से कोई भी इफेक्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे। जैसे ये वाला पार्ट में आपको इफेक्ट करके, जैसे यहाँ से हम ट्रिम कर लेंगे इसको, और यहाँ से हम इसको ट्रिम कर लेंगे। ट्रिम करने के बाद में ये जो पार्ट बचा है बीच में, इसका ये वाला पार्ट हमें जूम करके दिखाना है, तो हम सिंपली इसमें कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर देंगे। यहाँ से हम ये इफेक्ट अप्लाई करेंगे तो हमें इस तरीके से जूम होता दिखाई देगा, ये वाला करेंगे तो हम इस तरीके से हमें जूम इस तरीके से जूम होता हुआ दिखाई देगा, सिंपली, ठीक है। इसमें बहुत सारे आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हम आपको अप्लाई टू सेलेक्टेड क्लिप पे, ठीक है, और यहाँ से इसको हम थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से थोड़ा बड़ा आपको नीचे की तरफ दिखाई दे रहा होगा, ये बड़ा कर लिया मैंने। अब आप लोग जैसे इसको प्ले करोगे यहाँ से, ठीक है, जैसे यहाँ से मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, आप लोग यहाँ से प्ले करोगे और जैसे इस क्लिप के ऊपर आएगा ये हमें जो मुद्दा वो दिखाई देगा, यहाँ से इफेक्ट अप्लाई है, YouTube, आप लोग देख सकते हैं ये हमें जूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से आप अपना कोई भी पार्ट में जूम इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इस पार्ट में मैं आपको बात करूं, जैसे आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लाके छोड़ दो इसको, ठीक है, ये ब्राइटनेस काफ़ी आई है इस वजह से दिखाई नहीं। अप्लाई टू सेलेक्टेड क्लिप पे अप्लाई करो, यहाँ पे आपको कौन सा पार्ट जूम करना है आप इसको सिंपली सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसे ये वाला पार्ट करना है और सिंपली हम इसको अप्लाई कर देंगे। कितने पार्ट पे करना है वीडियो में इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ से हम एडजस्ट करके, ठीक है। सिंपली इस तरीके से हम इसमें पैन एंड जूम इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। मैं सिंपली सभी इफेक्ट एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, मैंने सिंपली क्लियर कर दिया। अब हम देखते हैं इसमें स्टेबलाइजेशन का है, ठीक है, स्टेबलाइजेशन रिमूव कैमरा वाला ये थोड़ा अलग है, इसकी ज़रूरत अभी आपको नहीं पड़ेगी। एनिमेशंस हैं जो मैंने बता दिए, वो ट्रांजेक्शन इफेक्ट हैं, वही एनिमेशन है इसमें, जैसे ये अलग टाइप के थोड़े हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, वही है सिंपली, कोई ज़्यादा खास फ़र्क नहीं है, ये थोड़ा अलग प्रकार से हैं, ठीक है, ये थोड़े छोटे टाइप वाले एनिमेशन नहीं आते वो वाले हैं, ठीक है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब आता है हाईलाइट एंड कॉन्सोल का। अब जैसे हम कोई भी पार्ट में, जैसे आपको लगता है कि कोई भी पार्ट स्पेशल आपको ब्लर करना है, तो ब्लर करने के लिए वैसे तो भाई आप पूरी वीडियो को देखो, सब कुछ करो, तब जाके आपका ब्लर होगा। और यहाँ से अगर आप ब्लर करोगे ना, यहाँ से जो ये हैं
फिल्टर्स में से, तो आपकी पूरी वीडियो ब्लर हो जाएगी, ना कि कोई स्पेशल पार्ट ब्लर होगा। और यहाँ से हम स्पेशल पार्ट को ब्लर कर सकते हैं, जैसे मुझे लगता है यहाँ से मैं ये वाला पार्ट है इसका, मैं इसको कट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ। मुझे लगता है इस वाले पार्ट में मुझे स्पेशली ओनली ये वाला पार्ट ब्लर करना है। जैसे मैं ये वाला पार्ट ब्लर करूँगा तो सिंपली मैं सेलेक्ट करूँगा क्लिप को, कंसोल पे जाएंगे हम। कंसोल पे जाने के बाद में जो भी हमें ब्लर करना है हम सिंपली उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग देख सकते हैं मुझे ये वाला पार्ट ब्लर करना है, हम छोटा कर लें इसको, और छोटा कर सकते हैं, हम जो भी पार्ट ब्लर करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। और अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, इस तरीके से हमारी ये वाली क्लिप में ये पार्ट हमने जो ब्लर किया है वो हमें ब्लर दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट इफेक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें क्रोमा की, ये भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप अपने वीडियोज़ की ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए एक फाइल, हम कोई भी ग्रीन स्क्रीन यहाँ हम इंपोर्ट करते हैं, फाइल जो हमारे पास में हो, जो भी हमारे पास में अवेलेबल होगी मैं आपको इंपोर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास में ये वाली फाइल है, इसको हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के बाद में इसको मैं यहाँ पे टाइमलाइन पे ऐड करता हूँ, जैसे इस तरह मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सिंपली इसमें हम देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपली क्रोमा पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते ही ग्रीन स्क्रीन हमारी, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसमें हमारी ग्रीन स्क्रीन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है, सिंपली अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, बहुत ईजी तरीके से भाई ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो जाती है। इसकी यही सबसे बड़ी खासियत भी है, ठीक है। अब इसका साइज हमें यहाँ से ओवरले पे जाके हम यहाँ से कर सकते हैं भाई एडजस्ट, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पे आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं चैनल का, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। सिंपली आप क्रोमा की का इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन आता है सेंस डिडक्शन, ये छोड़ो भाई, ये सेंस डिडक्शन जो भी हमारे मतलब ये इसमें काम नहीं आएगा, आपको कोई ज़रूरी नहीं है। लोगो का आता है भाई, लोगो जैसे ऐड कर सकते हैं हम अपनी कंप्लीट वीडियो में, लोगो ऐड करें तो यहाँ से हमारी जो शुरू से एंड तक जो भी एडिटिंग की है हमने अभी तक, वो कंप्लीट लोगो इसमें ऐड हो जाएगा। जैसे हमारे चैनल का कोई भी लोगो है, डाउनलोड में जाते हैं हम, हमारे चैनल का लोगो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, जैसे ये लोगो मैंने ऐड कर दिया और ये कंप्लीट वीडियो में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। लोगो के ऊपर जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है लोगो ऑटोमेटिकली। इसकी पोजीशन ओवरले हम सेट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए इसके ऊपर हम सिंपली ओवरले के ऊपर क्लिक करेंगे और हमें जहाँ भी ये लोगो हमारा ऐड करना है, लगाना है, वहाँ पे हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ से हम लगा सकते हैं इसको, ठीक है। सिंपली हमारा यहाँ तक काम कम्प्लीट हो गया। इसके बाद में हम देखते हैं और स्लो मोशन इफेक्ट है, जैसे भाई हमें लगता है कोई भी वीडियो है जिसको हम बहुत ही स्लो मोशन में दिखाना चाहते हैं, जैसे ये है, यहाँ से हम इसकी दूरिंग को जितना कम करेंगे उतनी हमारी वीडियो, जैसे यहाँ से 50% कर दिया हमने तो हमारी वीडियो की स्पीड आधी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ से हम वीडियो को स्लो कर सकते हैं, या आपको लगता है कि फास्ट करनी है स्पीड तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में यहाँ से आप इसकी स्पीड को, यहाँ से आप स्पीड का ये देख सकते हैं, यहाँ से आप स्पीड को बढ़ा सकते हैं वीडियो की, यहाँ से आप स्पीड को कम कर सकते हैं, स्पीड का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। यहाँ से आप 200% कर दोगे दुगुनी हो जाएगी, 400 कर दोगे चार गुना हो जाएगी, और कम करते जाओगे उतनी आपकी स्पीड कम हो जाएगी वीडियो की। भाई बहुत ही इजी तरीके से समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा सब कुछ, ठीक है। अब सिंपली हम बात करते हैं हमारे सामने नीचे जो जितने भी ऑप्शन हैं इनकी, इसके पहले हम थोड़ा बहुत इसको रिमूव कर देते हैं जिससे आप लोगों को ये समझ में आ जाए, ठीक है। अब सिंपली भाई हम बात करते हैं नीचे जितने भी पार्ट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं इन सब की, जैसे यहाँ पे एक क्लिप है भाई, लगता है कि इसको भी मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। यहाँ जैसे एक क्लिप है, इसको हमें लगता है कि यहाँ से एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हम ये जो भी है इसको यहाँ पे उसी जगह लेके जाए ट्रैकर को और वहाँ पे ऐड करके, जैसे यहाँ से, और हम सिंपली यहाँ से हम इसको कैंची का जो निशान है इसके ऊपर क्लिक करके कट कर सकते हैं, या फिर उसे कंट्रोल बी का यूज़ करके कट कर सकते हैं। जिस भी क्लिप को डिलीट करना है सिंपली उसके ऊपर एक बार क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कीबोर्ड से डिलीट का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली हमें लगता है कि वो क्लिप हमने जो डिलीट की है वो गलती से हो गई, हमें वापस चाहिए, तो हम सिंपली यहाँ से अनडू के ऊपर क्लिक करके वापस आ जाएगी वो क्लिप। अब हमें लगता है ये क्लिप नहीं है, हमें नहीं चाहिए, फिर से हटानी है, तो हम सिंपली रेडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और वो वापस चली जाएगी यहाँ से, ठीक है। बाकी बेसिकली वही ऑप्शंस हैं यहाँ पे क्रूप के हैं, ठीक है, ये क्रूप का मिल जाता है, या आपकी स्टेबलाइजेशन यहाँ पे आप सब कुछ मिल जाता है, वॉल्यूम का मिल जाता है आपको, वॉल्यूम कम ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से स्पीड आप दुगुनी कम ज़्यादा जितनी भी चाहें कर सकते हैं, ठीक है।
ये सब इफेक्ट मैंने ऊपर बात कर ली, वो इफेक्ट यहाँ पे है। अब एक इफेक्ट और बचता है इसमें, ऑडियो एडिटिंग बेसिकली हमने वो भी सीख ही ली। पर बेसिकली एक इफेक्ट जैसे कि इसमें बैकग्राउंड नॉइज आती है हमारी ऑडियो में, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऑडियो को अलग से कर लेंगे, डिटच ऑडियो, और ऑडियो के ऊपर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑडियो का ऑप्शन अलग आ जाता है। और यहाँ से हम करते हैं इसमें ऑडियो में नॉइज रिमूवल पे जाएंगे, यहाँ पे नॉइज रिमूवल, जो भी हमारे बैकग्राउंड की नॉइज है ना वो यहाँ से हम रिमूव कर देंगे इसको, जैसे 30-40% पे करके अप्लाई कर देते हैं तो हमारी बैकग्राउंड की नॉइज भी कम्प्लीटली क्लीन हो जाती है। ठीक है, अब सिंपली हमारी वीडियो फाइनली एडिटिंग होके क्लियर हो जाती है। म्यूजिक वगैरह ऐड करने हो तो यहाँ पे आप म्यूजिक ऐड कर सकते हैं अपनी वीडियो में, ये म्यूजिक ट्रैक है। और ट्रैक ऐड करनी है आप प्लस के आइकॉन पे ऐड करके वीडियो ट्रैक, ऑडियो ट्रैक और टाइटल ट्रैक ऐड कर सकते हैं सिंपली। सिंपली मैंने मोवावी का कंप्लीट ट्यूटोरियल आपको जीरो से एंड तक, बेसिक से एडवांस तक समझा दिया है। इसके अलावा इसमें कोई भी फैक्ट नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब सिंपली हमें वीडियो को एक्सपोर्ट करना होता है, हम सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट पे जाएंगे, देन हमारी जो भी क्वालिटी है उसको हम हाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारी लोकेशन फाइल की सेट करेंगे, हमें कहाँ पे करना है, प्रोजेक्ट का नाम यहाँ से डाल सकते हैं हम, हमें क्वालिटी हाई चाहिए, हम सिंपली हाई के ऊपर क्लिक करके यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। अब सिंपली फॉर्मेट भी हैं यहाँ पे, जो भी चाहिए वो फॉर्मेट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हम नेक्स्ट जो सीरीज है हमारी वीडियो एडिटिंग की, उसको हम शुरू करने वाले हैं काइन मास्टर को। काइन मास्टर को जीरो से एंड तक हम बिल्कुल आपको समझेंगे।